गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द का यूज किया जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। ए का यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ जो कि कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, जैसे कि चेयर, रैट, डक, यूनिफॉर्म। इसमें चेयर में च का साउंड है जो कि एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। रैट में र का साउंड है, र, तो इसके साथ ए का इस्तेमाल होगा क्योंकि एक कॉन्सोनेंट साउंड है र। ऐसे ही डक, डक में ड जो है एक कॉन्सोनेंट है, डी। एंड यूनिफॉर्म में यू, यू का साउंड है य, जो कि एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। वोवल होने के बाद भी लेकिन इसका साउंड यू है, तो इसीलिए इसको इसके आगे ए का यूज किया गया है। ऐसे आपको समझाया था यूज ऑफ आर्टिकल एन। एन का यूज करते हैं वोवल साउंड के साथ, वोवल लेटर के साथ। ऐसे वोवल वर्ड्स, लेटर्स जो कि साउंड भी वोवल ही देते हैं, उनके साथ हम एन का यूज करते हैं। जैसे एन इंक पॉट, ई का साउंड है। एन एलिफेंट, ए का साउंड है। एन एलिफेंट, ए, ये जो है हमारा एक स्वर है, वोवल को बोलते हैं हिंदी में स्वर, और हिंदी में स्वर होते हैं हमारे ए से लेकर ज्ञ यानी ए से लेकर ऋ ऋषि तक। ऐसे ही एन अम्ब्रेला, एन एप्पल में अ का साउंड है, तो इसीलिए इसके साथ यूज करा है एन। आपको होमवर्क में ये फिल करने के लिए बोला गया था, आई होप आपने इसी तरीके से इनको फिल किया है। जिन जिन बच्चों ने ऐसे किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। वॉच के साथ ए क्यू यूज हुआ है, वॉच वा का साउंड दे रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए इसके साथ ए यूज होगा। एस एक कॉन्सोनेंट लेटर है और एस का साउंड देता है स्टोरी, तो ये एक कॉन्सोनेंट होने के कारण ए का यूज होगा। एरोप्लेन, एरोप्लेन में एन का यूज होगा, ए हमारा वोवल है और साउंड भी वोवल का ही देता है। कैपिटल सी एक हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए यूज होगा। पी कॉन्सोनेंट है, ए यूज होगा। ओ एक वोवल साउंड है, एन यूज होगा। ए वोवल है, एन यूज होगा। हॉर्स ए एच का साउंड है, ह, ह का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसीलिए ए यूज होगा। बी ब का साउंड है तो इसीलिए अ, ए यूज होगा। आंट, आंट में अ से अनार का साउंड है स्वर, इसको वोवल बोलते हैं, तो इसीलिए एन यूज होगा। चलिए आज सीखते हैं यूज ऑफ द। पेज नंबर 49 पर है आपकी बुक में। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। द का इस्तेमाल हम उन चीजों के लिए करते हैं जिनके बारे में हम पहले से ही निश्चित होते हैं कि किस चीज के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि देखिए, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस स्कूल के जो लड़के हैं बॉयज, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो जो बॉयज हैं वो किसी विशेष स्कूल की बात हो रही है, उनकी जो स्कूल है और जो बॉयज हैं वो किसी निश्चित जगह से रिलेट करते होंगे, तभी उनके साथ द यूज किया गया है। ऐसे ही दिस इज द बॉय हु गेव मी अ पेन। यह वह लड़का है जिसने मुझे पेन दिया, तो यह वही लड़का है जिसने मुझे पेन दिया। तो यहाँ पर द यूज किया गया है बॉय एक नाउन के साथ। जब भी हम किसी नाउन को डेफिनेट कर दें कि वह उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा डिफाइन करके उसको निश्चित बना दिया जाए, तो द का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर यह वह लड़का है जिसने मुझे पेन दिया, तो हु गेव मी अ पेन, इस बॉय के बारे में कुछ बोला गया सेंटेंस है। जब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देकर उसको डेफिनेट बना दिया जाए कि किसके बारे में, किस नाउन के बारे में बात हो रही है, तो
वहां पर आगे हम यूज करते हैं नाउन के आगे द। शी मेट मी इन द हाउस ऑफ माई अंकल। वह मुझसे घर में मिली, किसके घर में? ऑफ माई अंकल, अंकल के घर में। तो यहाँ पर हाउस को डेफिनेट कर दिया है कि वह घर किसका था? अंकल का था, उसी घर में उसको वह मिली। तो इसीलिए नाउन के बारे में जब कुछ और इन्फॉर्मेशन देकर थोड़ी सी उसको डेफिनेट कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो उसके आगे हम लगाएंगे द। ओके, यही इसकी पहचान है। और कहाँ का यूज होता है द का यूज? बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स एंड ओशन। कोई भी नदी का नाम है या ओशन का नाम है वो पहले से ही निश्चित है, जैसे गंगा। तो गंगा हमें एकदम से नाम लेते ही ध्यान आ जाता है कि गंगा एक नदी, कौन सी नदी के बारे में है, और गंगा नदी से अलावा कोई और गंगा नदी नहीं है, वह एक डेफिनेट है। तो इसीलिए इसके आगे यूज करेंगे हम द। ऐसे देखिए द इंडियन सी, इंडियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, इनके अलावा कोई और, इनके जैसा कोई और ओशन या सी नहीं है। ये अपने आप में डेफिनेट है, एक निश्चित है, तो ये इसीलिए इनके आगे यूज होगा द। और कहाँ यूज होता है? बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, पहाड़ों के नाम के आगे, जो माउंटेन्स के नेम है सभी, उनके आगे भी द का यूज होता है। जैसे देखिए द हिमालयाज। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमालय भी आपने देखा है एक ही है, हिमालय जो है पहाड़, कोई और हिमालय नहीं है, निश्चित है, डेफिनेट है। इसीलिए सभी माउंटेन्स के आगे दा का यूज किया जाता है। और दा मैंने आपको बताया था, दा किसी भी चीज को फिक्स कर देता है, एक फिक्स्ड वर्ड है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। और कहाँ यूज होता है? जितने भी होली बुक्स हैं हमारी, पवित्र किताबें हैं, जैसे कि गीता हिंदुओं की पवित्र किताब है, बाइबल जो कि एक पवित्र किताब है, इनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गीता इज अ स्क्रैप स्क्वायर बुक ऑफ द हिंदू, हिंदू की पवित्र किताब है गीता। द बाइबल इज अ स्क्वायर टू ऑल, बाइबल एक पवित्र किताब है हिंदुओं की, धार्मिक, सॉरी बाइबल जो है ईसाइयों की धार्मिक बुक है, जिसके आगे हम यूज करते हैं द। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ नेशंस एंड रेसेस, जो नेशंस है, जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द हिंदूज लव द मुस्लिम। जितने भी हमारे एक तरीके से बोले जाति और धर्म के नेम है, उनके आगे हम द का यूज करते हैं, क्योंकि वे अपने आप में एक निश्चित है, अलग है, उनके जैसा कोई अलग से नहीं है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द इंग्लिश, द फ्रांच। द इंग्लिश यहाँ पर अंग्रेजों के लिए यूज किया गया है, सब्जेक्ट के लिए नहीं। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री जो होती है हमारी एडजेक्टिव की, उसके साथ द टॉलेस्ट, द थ्री, द वाइजेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसके अंदर ईएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट है नाउन विच इज ओनली और वन इन इट्स काइंड, ऐसे नाउन जो अपने आप में अकेले हैं, एक हैं, जैसे कि सन, नेचर, सन, अर्थ, मून, स्काई, ये अपने आप में सिंगल है, सिंगल यूनिट है, और उनके जैसा कोई और भी नहीं है। तो इनके सबके आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है यूज ऑफ द, जिसको हमने आज सीखा। तो ये आपको आज समझना था केवल कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। आपका होमवर्क है, आपको इसको रीड करना है दोबारा से और समझना है, ठीक है? रीड करना है, होमवर्क है ये आपका। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, कहाँ का आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज का आपका होमवर्क है, इसको रीड करेंगे सभी बच्चे।
बाय।